वैसे ये शादी के बाद ज्यादा खूबसूरत नहीं हो गई? नहीं नहीं, शादी से पहले भी बहुत खूबसूरत थी, ऐसी कोई बात नहीं है। That's how I like it. ऐसे ही रहना। ओके, क्या बात है? करते रहो तारीफ। खुश रहेगी। वो देखें, भाई आ गए। हेलो, कैसे हैं भाईजान? क्या हाल चाल है? Hi, how are you? I'm good. आप कैसी हैं? आप कैसे हैं? अंकल आंटी कैसे हैं? खैरियत से। भाई जामी अंकल पे तो आपकी शख्सियत का जादू सर चढ़कर बोल रहा है, उठते बैठते आप ही की तारीफें करते हैं। अरे नहीं नहीं, वो एक्चुअली खुद बहुत प्यार करने वाली शख्सियत है, इसलिए अल्लाह हर किसी को ऐसा सुसर दे। कब जा रहे हैं भाई आप लोग ट्रिप पे? भाई बस प्लान कर रहे हैं, जुबिया करी थी, बस एक बार आपकी शादी हो जाए तो एक साथ चले जाएंगे। मेरी शादी? जी बिल्कुल, आपकी शादी। बड़े हैं आप मुझसे और अब मेरी शादी भी हो गई। आपने मुझसे वादा किया था। हाँ भाई, किया था वादा, तुम लोग ट्रिप से पहले वापस आ जाओ, फिर कर लेंगे बात। एग्जैक्टली, जैसे ही हम वापस आएंगे फौरन आपकी शादी, क्योंकि लड़की पसंद कर ली हमने, हम सब ने। अच्छा, वेरी गुड। कौन है जनाब? आयशा, आयशा कुरैशी। आयशा कुरैशी मेरी स्टूडेंट है, वो उस्ताद हूं मैं उसका, बेवकूफ। सो व्हाट, इवन बेटर, आपकी शागिर्द है, सेट रहेगी आपके साथ। मगर ये शादी वादी क्यों जरूरी है? तो फिर मेरी शादी क्यों करवाई थी? क्या तुम खुश नहीं हो शादी के बाद? नहीं बबलू, मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ कि भाई भी कर लें अब शादी। देखो तुम्हें आयशा अच्छी नहीं लगती? वो बात अच्छी है बुरी की नहीं है, अच्छी लड़की है वो, बल्कि बहुत अच्छी लड़की है। बट आपको अच्छी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए। तुम बहुत ज्यादा ओवर हो जाती हो और तुम्हें इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। इस टॉपिक पे बहुत बात हो चुकी, बस वो मैं फ्रेश हो गया था। मेरी शादी आयशा कुरैशी, बेवकूफ। बहुत बोलती हो तुम, सोचकर बोला करो। तो बात नहीं करनी थी उनसे? हाँ, बताना था, पूछना था, तो तरीका होता ना पूछने का, बस धड़ से बोल दिया जो दिमाग में आया। सिली गर्ल। आई थिंक आई गॉट ओवर एक्साइटेड। कंट्रोल योर एक्साइटमेंट, पहले मुझे बात कर लेना। क्या कर रहे हो? बैठा था बस। वैसे मिला तुमसे एक बात करनी। जी कहिए। तुम जानते हो ना कि मैं रियली ये चाहती हूँ कि तुम सेटल हो जाओ। मैं तुमसे कई बार ये बात कर चुकी हूँ लेकिन हमेशा टाल जाते हो। पप्पू इतनी जल्दी किस बात की है? अभी तो बहुत वक्त पड़ा। वक्त तो इतनी तेजी से गुजर जाता है कि एकदम से एहसास होता है कि एक उम्र गुजर गई। पता है पप्पू, मैं पहले PhD करना चाहता हूँ, शादी के नोट पर तो मैंने सोचा भी नहीं है। ये सोचा तो अब मेरा ख्याल है सोच लो, क्योंकि आयशा जैसी लड़कियां तुम्हारे इंतजार में बैठी नहीं रहेंगी। आयशा, मैंने उसको कभी इस नजर से नहीं देखा। तुम्हें कोई और पसंद है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर है तो मुझे बता दो, मुझे कोई एतराज नहीं, I'll be happy. फुफो, 100% ऐसी कोई बात। देखो बिलाल, तुम उन लड़कों में से नहीं हो जो किसी की खूबसूरती पर मरमिटते हैं, ना हम वो लोग हैं जो कनेक्शंस की खातिर या पैसों के लिए रिश्ते बनाते हैं। हमें तो बस एक सिंपल सी लड़की चाहिए जिसकी तरबियत अच्छी हो, जिसकी वैल्यूज हमारी जैसी हो, जो रिश्तों को निभाना जानती। आयशा के एक फेल ने
हमें उसकी इकदार, उसकी वैल्यूज, उसकी तरबियत सब कुछ सिखा दिया। ऐसी लड़कियां अपने रिश्तों में, अपने जज्बात में भी खरी होती हैं। एंड यू नो समथिंग, आई थिंक शी लाइक्स यू। प्लीज सीरियसली, मुझे लगता है कि तुम उसके साथ खुश रहोगे। वो बहुत अच्छी लड़की है, अनलेस तुम्हारी जिंदगी में कोई और है। ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर? तो फिर ये कि फूफो, जैसे आप चाहें, मैं आपकी बात नहीं टाल सकता। आप खुश तो मैं खुश। मैं तो तब खुश होंगी और खुश होंगे। इस मोमेंट में तो मैं आपके लिए और अपने लिए एक मजेदार सी कॉफी बनाकर खुश होऊंगा। अच्छी वाली। फिर तुम्हारी बीवी आ जाएगी ना, पप्पू को भूल जाओगे। बिलाल ऐसा लड़का नहीं है। आज हम जीएनपी एंड जीडीपी के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे सब्जेक्ट के बहुत दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनके बारे में मैं सिर्फ आप लोगों को बहुत जरूरी बात सिर्फ इतनी। आयशा आपका ध्यान किधर है? हाँ? नहीं नहीं कहीं नहीं। कहीं नहीं तो फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको सुन रही हैं। मैं क्या कह रहा था जी, वो पता नहीं कहां खोई हुई हैं। ये पूछे सर कि किसने खोई है ये? बेटर के आप क्लास में सिर्फ पढ़ाई करते। सर मैं पढ़ तो रही हूँ। आप क्या पढ़ रही हैं? आप बहुत देर से अपने हाथों की लकीरों को पढ़ रही हैं। वो तो बहुत पहले पढ़ चुके हूँ, अब तो मैं जानती हूँ कि उनमें क्या लिखा है। इश्क सलोनी डली होठों में घुलती गई, नाम जब लिया आँखों ने धड़कन भी रुकती गई। बाली पहन मुड़ती गली से लम्हे, पाँव पाँव रुकते गए रास्ते ये चलते चलते। ओ साया ओ साया, रमजा इश्क दे न जाने, ओ रब्बा से पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम रूम में हो, सोचा यहीं बैठ के तुम्हारा इंतजार कर लूं। माशाल्लाह वैसे तुम्हारी बड़ी लंबी जिंदगी है। आज ही मैं और पप्पू आपकी बात कर रहे थे। मुझे याद कर रही थी मैं और पप्पू दोनों। वैसे मुझे याद क्यों कर रही थी? इतनी आराम से तो नहीं बताऊंगी ना, आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी। तंग मत करो, बताओ क्या बात है। अच्छा मेरे सवाल का जवाब दोगे? पूछो। क्या आप मिस आयशा कुरैशी मेरी भाभी बनना पसंद करेंगी? ओ साया रंग दे बिरंगी लम्हों को। यो रंगो में। क्या ये क्या कह रही हो तुम? हाँ मैं, मुझे पूरी जिंदगी ये लगता था कि बिलाल भाई की तो शादी होने नहीं वाली, क्योंकि मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आती। अब अल्लाह मियां की तरफ से इतनी प्यारी सी लड़की हमारे सामने खुद ही आ गई है, तो हम इसको जाने कैसे दें? मैंने तो सोचा है कल ही आपकी अम्मी के पास रिश्ता लेके जाएंगे हम। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। क्या
क्या कहना है? इतना सोचने की क्या बात है? I'm your friend, you can be open with me. जो कहना है कह दो. हाँ, लेकिन ये तो तभी होगा ना जब अम्मी चाहेंगी. Of course, तुम्हारी अम्मी के पास वो जाएंगी बात करने. तो मुझे ये बताओ, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं ना? इश्का लो, लड़की ने तो फट से आंख रख दी. है होंठों पे आँखों में यार दे बाजो मेरा जी घबरावे मेरी सा रुक जावे और अब्बा दिल दिया गल न जाने और अब्बा. देखिए, हर काम अल्लाह की तरफ से होता है ना. आयशा बिलाल की स्टूडेंट होती ना हम इससे मिलते ना हम इसके अंदर की खूबसूरती देखते तो आज मैं आपके सामने हाथ फैलाए ना बैठी हूँ. ठीक कहा आपने. इंसान कुछ भी सोच ले, होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है. तो फिर मैं आपकी तरफ से हाँ समझूँ? मैं क्या कह सकती हूँ, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये. मेरी तो खुशकिस्मती है कि बिलाल जैसे लड़का मेरे घर का दामाद बनेगा. आपको कभी शिकायत नहीं होगी, ये मेरा आपसे वादा है, ना बिलाल की तरफ से और ना हमारी तरफ से. मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी बेटी को आप जैसा घर मिलेगा, आप जैसे अच्छे लोग मिलेंगे. आप किसी बात की फिक्र मत करें, आप बस ये समझें कि आप नहीं होंगी तो आयशा की माँ और उसकी बहन उसके साथ होगी. अरे आप लोग आ गए इतने जल्दी? हाँ आ गए. क्या हुआ अब? जुबिया तुम बता दो. नहीं पापा, मुझसे नहीं. आप ही. क्या हुआ, कोई तो बताए मुझे, हुआ क्या है? जुबे बता दो ना. नहीं ना, आप बताए. प्लीज गॉड से, क्या हो रहा है मुझे बताएं, क्या हुआ? मंजूर. मंजूर मतलब है? आयशा की अम्मी ने हाँ कर दी है. आपको कोई ना कर सकता है? परेशान है थे मुंह लटकाए खड़े थे. खा लो मिठाई, अब बहुत सारी खानी पड़ेगी और हमें भी खिलानी पड़ेगी. ये बुरा डब्बा मुंह नहीं मिठाई खिला, मुझे भी खिलाओ. आपको तो खिला के नहीं आई थी मैं. मैंने खिलाई नहीं आपको मिठाई. बिलाल, मेरे सामने एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन आई है. कराची यूनिवर्सिटी ने एक स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए हमसे नाम मांगा है. ये प्रोजेक्ट उन बच्चों के लिए है जो अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर पाते और लॉटरी से पहले ही अपनी तालीम छोड़ के मुख्तलिफ कामों में लग जाते हैं. ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो. बिलाल, तुम तो जानते हो कि हमारे मुल्क में गुर्बत खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है. हर बेचारे वालदेन चाहते हैं कि बच्चा काम करे और पैसे घर में आए, लेकिन इससे नुकसान ये होता है कि वो बच्चा जो मुल्क और कौम के लिए सरमाया साबित हो सकता है, किसी कारखाने या फैक्ट्री में छोटे मोटे काम पर कनात कर लेता है.
कराची यूनिवर्सिटी इस प्रोजेक्ट को अब सीरियसली ले रही है। वो चाहती है कि इस प्रोजेक्ट में ऐसे लोग हों जो क्वालिफाइड हों और टोटली कमिटेड हों, जिनके साथ मुल्क और कौम के मफाद से बढ़कर कोई चीज़ ना हो। इस सिलसिले में मैं तुम्हारा नाम देना चाहता हूँ। कराची यूनिवर्सिटी के इस प्रोजेक्ट पर काम करना शायद वो सब कुछ ना हो जो तुमने सोचा है। सर, मैं समझता हूँ अगर मेरी तालीम का फायदा मेरे अपने लोगों को नहीं है तो फिर ऐसी तालीम का फायदा भी कोई नहीं है। मेरा तो हमेशा से ये ख्वाब रहा है कि मैं आला तालीम हासिल करूँ और यहाँ अपने वतन में अपने लोगों के काम आ सकूँ। पैसा कभी भी मेरी प्रायोरिटी नहीं रहा। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है सर कि आपने मेरा नाम इस प्रोजेक्ट के लिए मुंतखब किया है। फिलहाल मैं फिर भी चाहूंगा कि तुम सोच लो, मशवरा कर लो, फिर मुझे बताओ। नहीं सर, इस पे सोचने वाली कोई बात है नहीं सर। मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं इंशाल्लाह ताला आपको मायूस नहीं करूंगा। आप बिल्कुल रिलैक्स होकर मेरा नाम पिच करें। फिलहाल मुझे तुमसे यही उम्मीद, तुम जैसा नौजवान हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा सपना है। और वैसे भी हमारे मुल्क में अमेरिका को इनकार करने का रिवाज ही नहीं है। नहीं सर, बात वतन की है, बात अपने लोगों की है। अगर हम नहीं सोचेंगे इनके बारे में तो कौन सोचेगा सर? एक्सीलेंट, मुझे तो फखर है। थैंक यू सर। अम्मी, ये शरबत पी लो। ठीक है। तुम चले जाओगे तो ये सब कौन करेगा? मैं कहाँ जा रही हूँ? अभी जाना तो है ना बेटा, तो आपसे दूर थोड़ी जा रही हूँ, करीब में तो है घर। तो बहुत अच्छी है, बस अल्लाह करे पाबंदियां ना लगाए। आप फिक्र ना करें, बिलाल की फूफो कितनी अच्छी हैं और ज़ोबिया तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और सब जानते हैं कि मेरे जाने के बाद आप अकेली रह जाएंगी, तो बस आप एक फोन और मैं आपके पास। माँ के दिल तो होते ही नाजुक हैं, तरह से बात में भर आते हैं। बस मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह तेरा दामन खुशियों से भरा रखे। मैं प्लीज, अगर आप रोएंगे ना तो मैं भी रो पड़ूंगी। ना मेरा बच्चा, तुम क्यों रोएगी? अच्छा, मैं यूनिवर्सिटी छोड़ रही हूँ। क्या, क्यों छोड़ रही है यूनिवर्सिटी? अम्मी, अब अच्छा नहीं लगता, सबको मेरी मंगनी का पता है, हर रोज सर बिलाल की क्लास होती है, के सामने बैठना कुछ अजीब सा लगता है। अच्छा ये बता, तुमने बिलाल से कह दिया ना? अभी नहीं, हाँ लेकिन बता दूंगी। देख बेटा, तेरी पढ़ाई का हर्ज नहीं होना चाहिए। फिकर क्यों करती हैं? पता है अम्मी, एक तरह से ये अच्छा ही हो जाएगा ना, मैं घर में रहकर अपनी फाइनल्स की तैयारी कर लूंगी और आपके साथ साथ भी रहूंगी। आप तो यही सोच रही हैं ना कि मैं आपसे दूर चली जाऊंगी, लेकिन इतने ज्यादा से ज्यादा वक्त सिर्फ आपके साथ गुजारूंगी। माँ कहाँ चाहती है कि उसके बच्चे से दूर हो, मगर क्या करें बेटा, बेटियां तो होती पर आया धन है, उन्हें तो अपने घर जाना ही पड़ता है। बस कर दो, बस आ जाओ। वैसे थैंक यू यार। थैंक यू किस लिए?
तुम्हारे आने का भाई? अरे भाई मैं तो बोर ही हो गया था ज़ुबिया के साथ। अच्छा हुआ तुम्हारे आने से कंपनी में थोड़ा इजाफा तो हुआ। तो मैं बोर करती हूँ तुम्हें? अरे वो मजाक कर रहा है। हाँ यार मजाक कर रहा हूँ, तुम तो सीरियस हो गई। हमेशा ऐसे ही रहना, कभी बदलना नहीं। अब क्या बदलना ज़ुबिया बेगम, अब तो सारी उम्र का बंधन है। ज़ुबिया बेगम, मजाक कर रहा हूँ। कितना अच्छा लग रहा है तुम लोगों को इस तरह देखकर, बहुत खुशी होती है मुझे। हमें भी बहुत अच्छा लगता है आयशा तुमसे मिलकर, लेकिन मेरे भाई की बस कमी है। लो भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। तो ये मुझे चीज है जिसकी वजह से आप लोग मिल रहे हैं। भाई वो रिजवान कह रहे थे कि चलो जूस पीते हैं, और कहते हैं कि साथ में आयशा को भी पिक कर लो। मैंने कहा भाई मैं अपने भाई के बगैर कहीं नहीं जा रही। बबलू तुम मुझे घर छोड़ो। क्यों भाई? वो अम्मी को मेडिसिन देनी है। ऐसा करते हैं रिजवान जरा मेरी बात सुनो, तुम मेरे साथ चलो। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अरे यही है, कहीं नहीं जा रहे, अभी आए 5 मिनट में। बिलाल भाई आप जरा, हम अभी आए। बबलू तुम ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तुम इस मंगनी से खुश हो ना? ये सब कुछ भुखो और ज़ुबिया की जिद से। आई नो शायद हम दोनों इस चीज के लिए रेडी नहीं थे। क्या हुआ तुम्हें? तुम तो बहुत बातें करती थी, क्या हुआ? जी बस वो मैं अमेरिका नहीं जा रहा। मैंने कराची में यूथ डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट साइन किया है। कराची? आई गेस मेरी यहां पर ज्यादा जरूरत। वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में रहकर अपने मसाइल पर रिसर्च नहीं हो सकती, सो मैं कराची के स्लम्स लाइक लांडी कोरंगी यहाँ पर एजुकेशन डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट पर काम करूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? वेरी गुड सर। दो साल का प्रोजेक्ट, आई एम वेरी एक्साइटेड। अल्लाह आपको कामयाब करे। आमीन। अरे बेटा अल्लाह जो कुछ भी करता है ना उसमें बंदे के लिए कोई ना कोई बेहतरी जरूर होती है। ठीक कह रही हैं आप, मैं तो इसके करियर की खातिर इसे अमेरिका तक भेजने के लिए तैयार हो गई थी, मगर इसकी किस्मत में कराची लिखा था। ये आयशा क्या कर रही है किचन में? आयशा जी आ जाओ ना किचन में, क्या कर रही हो? क्या आप तकल्लुफात में पड़ गई? बस सिर्फ ये खाने लगा, अभी आए। आंटी ये आयशा यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही है? बेटा वो आयशा ने कुछ दिनों की छुट्टियां ली हैं। मगर आंटी बिलाल उसको ऑकवर्ड लग रहा होगा ना, समझा करो बात को। तुम कराची जाओगे वो यूनिवर्सिटी चली जाएगी। अगर प्रपोज की स्टडीज का नुकसान हो रहा है, फाइनल सेमेस्टर से, आंटी आप उसको समझाएं प्लीज। मैं क्या समझाऊं बेटा, तुम बात करके देखो, तुम खुद ही समझा दो। उस्ताद हो उसके, समझा दो। भाई आयशा बहुत लग गया खाना, प्लीज वापस आ जाओ। जी जी खाना लग चुका है, आप लोग आ जाओ। चलिए आओ बेटा, फिर वही आओ बेटा।
आइए आइए, प्लीज प्लीज प्लीज। ना तकल्लुफ, तुम्हारे हाथों क्या हुआ? जी वो देगची का ढक्कन हटा रही थी तो गरम भाप लग गया। कुछ लगाया इस पर? जी बर्न क्रीम लगाकर बैंडेज किया। ओहो, अरे बेटा अगर ज्यादा जल गया तो हम डॉक्टर के चलें क्या? नहीं अम्मी, फिक्र ना करें, जल्दी ठीक हो जाएगा, थोड़ी सी चोट है। लगता है कि हमारी आयशा को नजर लग गई। बिलाल इतने गौर से मत देखा करो उसे। चलो मैं अब तुम्हें अपने हाथ से खिलाती हूँ आज। अरे नहीं नहीं रहने दीजिए ना आप, थैंक यू। क्या मतलब थैंक यू रहने दीजिए? मेरे हाथ से खाना पड़ेगा और अगर नहीं खाओगी तो मैं बिलाल से कहूंगी कि तुम्हें खिलाए, वो मंजूर है? अभी तुम्हारी जगह जुबिया होती ना तो उसने एक खाना क्या पूरे हफ्ते मेरे हाथ से खाना खाना था और फिर भी नाजुक दिखाती। अरे बबलू और जुबिया बहुत याद आ रहे हैं, वो लोग होते तो कितना अच्छा होता ना। वैसे कब वापस आएंगे ये लोग? अब भाई ने ट्रिप पर भेजा है इस्तांबुल तो घूम फिर कर अच्छी तरह वापस आएंगे, लेकिन मैंने उसे कहा था कि बिलाल के जाने से पहले जरूर वापस। अरे बेटा ये लो ना तुम। जी तुम्हें यूनिवर्सिटी आना क्यों छोड़ दिया? जी वो अजीब लगता है, शर्म आती है मुझे। शर्म आती है मतलब? हमारी मंगनी हुई है और घर वालों की रजामंदी से हुई है, isn't it? I know, पर मैं आपका सामना नहीं कर सकती वहां। ओह, तो तुम मेरी वजह से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही हो? जी पर मैं तो कराची जा रहा हूं। फिर मैं चली जाऊंगी। तुम्हें पता है तुम्हारी स्टडीज का नुकसान हो रहा है? मैं घर में तैयारी कर रही हूँ, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करूंगी। आई होप सो। वो आपसे एक बात कहनी थी। क्या मैं फोन कर सकती हूँ आपको? तुम्हारे पास फोन है? फिर कर सकती हूँ, इसमें पूछने वाली क्या बात है? नहीं वो अच्छा नहीं लगता ना इसलिए। देखो आयशा मुझे एक दफा बता दो तुम्हें क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता। आप मजाक कर रहे हैं मुझसे? देखो तुम मुझे किसी भी वक्त फोन कर सकती हो, तुम मुझसे जो चाहो मांग सकती हो। शुक्र है कि आपने इनकार नहीं किया, क्योंकि इंतजार करने से बहुत डर लगता है मुझे। किसी का मुंतजर होना तो बहुत खूबसूरत कैफियत। नहीं यार दे बाजू मेरा जी घबरावे, मेरी सांस रुक जावे, और अब्बा दिल दिया गल न जाने। ये देखिए ये घड़ी लाई हूँ मैं उनके लिए। अरे वाह कितनी खूबसूरत घड़ी है। और अम्मी कमीज शलवार भी लिया है ब्लैक कलर का, उन्हें पसंद है ना ब्लैक कलर। मुझे तो उनका नाप ही नहीं पता था, फिर जोबिया ने बताया कि वो लाल पहनते हैं। रिजवान भाई तो इतना मजाक करते कि मैं भूल ही गई कि मुझे क्या क्या लेना था। अच्छा ये बताओ एयरपोर्ट छोड़ने जाओगी ना उसे? जी बस सोच रही हूँ, अच्छा नहीं लगेगा। अरे बेटा उसे बहुत अच्छा लगेगा, क्यों नहीं अच्छा लगेगा भला? मुझे रोना आ जाएगा। मम्मी
मेरा बच्चा। देखो बेटा, बस कुछ ही दिनों आते हैं, और वैसे भी वो अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए कराची जा रहा है, तुम्हें तो उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए बेटा। ये तो बात ही कम होती है उनसे। बेटा रिवायत है कि शादी से पहले बात ना ही हो तो बेहतर है, लेकिन अब तो तुम्हारा नाम उसके नाम के साथ जुड़ गया है, उससे बात की है। अम्मी मैं समझती हूँ, हौसला पैदा कर रही हूँ अपने अंदर। अरे मैं सोच रही थी कि हमेशा उसकी अम्मी हमारे घर आती है और मैं कभी नहीं जाती, क्यों ना मैं होकर आ जाऊँ। जी अम्मी आपको जाना चाहिए। तो बस ठीक है, ऐसा करती हूँ कि कल उनकी तरफ चक्कर लगा ले। अरे वो मेरी दवाइयों का क्या हुआ, लेकर आई? हाँ जी मैंने रखी है, ड्रॉ में आपको भी दी। जी जी ठीक है। रेनोवेशन से क्या प्रोग्रेस है रजी साहब? मैम बस कुछ थोड़ा सा प्लम्बिंग का काम रह गया है, इंशाल्लाह आज मुकम्मल हो जाएगा। और पेंट? जी बिल्कुल। अच्छा आप एक काम कीजिएगा कि सारी सफाई करवा के मुझे अपार्टमेंट की तस्वीरें खींच कर भेजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं खुद देखना चाहती हूँ काम कितना हुआ है। आई वॉन्ट हिम टू बी कम्प्लीटली कम्फर्टेबल। मैम काम मुकम्मल A1 हुआ है, इंशाल्लाह बिलाल साहब को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अच्छा और मुझे याद आया आपने गाड़ी की सर्विसिंग करवा ली है? जी जी बिल्कुल। और कुक का क्या किया है आपने? मैडम उसका इंतजाम भी इंशाल्लाह आज हो जाएगा। आप मेरी उसे स्काइप पे बात करवाएंगे, मैं खुद अप्रूव करूंगी। और एक बहुत ही जरूरी काम, रिजवी साहब होशिंग रोड वाली प्रॉपर्टी का मामला सेटल करें, या तो उसका आप रेंट रिवाइज करवाइए या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करें, हमें बहुत लॉस हो रहा है। जी मैम सबसे तक मैं वो भी काम करवा दूंगा। प्लीज डू दैट। और आप मुझे तस्वीरें का व्हाट्सएप करें, कितने बजे तक? मैम इंशाल्लाह आज 5 बजे तक मैं कर दूंगा। चलिए ठीक है, आई विल वेट फॉर देम। थैंक यू, खुदा हाफिज। They're very nice people. I really enjoy their company, especially Rizwan. He's such a sweetheart. हर बात मानता है. So you don't miss me? I do. लेकिन अभी तो start. क्या साजिशें हो रही हैं मेरे खिलाफ? Yeah, yeah. Dream on. आपके बारे में हम जैसे हम बात करते रहते हैं ना? तुम्हें कुछ ज़्यादा ही खुशफ़हमी है कि हम तुम्हारे बारे में बातें करते रहते हैं. अच्छा आप मेरे मुझे भूल सकते हैं कहने का मतलब? नहीं एक्चुअली बात हम तुम्हारे ही बारे में कर रहे थे कि तुम्हारे जाने से पहले एक पार्टी वार्टी हो जाए। Exactly. पार्टी हो जाएगी? ये बताओ तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है? मेरा कौन सा प्रोजेक्ट? शादी से बड़ा कोई प्रोजेक्ट होता है वो समझाएं इसको। Excuse me, it's not a project. बहुत मजा आता है शादी के बाद, आराम से रहते हो, ऑर्डर करते हो। बॉस तंग करता है कि नहीं करता ये बताओ मुझे बस। मैं किसको तंग करूंगी? बिग बॉस है भैया खुद। तो और क्या? लगता है इसका शौहर बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग, सपोर्टिंग, दैट्स हाउ यू शुड पुट इट। अच्छा इसका प्रोजेक्ट तो कामयाब चल रहा है माशाल्लाह, लेकिन मैं सोची हूं कि एक और प्रोजेक्ट पेंडिंग है बड़े दिनों से। बहुत अरसा हो गया, अब तो वो प्रोजेक्ट बेचारा बोर ही हो गए। नहीं नहीं देखिए वो बड़े जरूरी काम करने जो करने चाहिए तो करो ना। प्रोजेक्ट मुझे भी काम करना है। जुबिया पार्टी वार्टी छोड़ो, हम ढोलकी कर लेते हैं। Exactly. उस पे बारबेक्यू रखते हैं और आज गेस्ट्स बनाने, मेरे जाने के बाद आप लोगों ने कुछ नहीं करना, सुस्त पड़ जाना। नहीं नहीं देखो बारबेक्यू तो ठीक है प्लान, तुम बारबेक्यू कर लेना, अपना खा लेना सब कुछ, लेकिन हम ढोलकी। अच्छा मेरा जूस का है भाई? मेरा भी आपसे अच्छा है, बस आप मान जाए। नहीं 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 जूस ला के दो, ये तुम्हारा। मैं ला के दूं? वो मेहमान आई है इस घर। घर तुम्हारा है भाई। अब मेरा घर। अच्छा